अब हम आपको लेक्चर नंबर 5 के सेक्शन नंबर 2 में दिखाते हैं कि इमेज को आप किस तरह वेबसाइट पर ला सकते हैं, इमेज सोर्स। ये बिल्कुल सिंपल है कि आपने इतना टैग यूज करना है। इस वक्त हमारे पास इमेज के अंदर एक पिक्चर पड़ी है, 1x के नाम से हमारे पास रखी हुई, 1x.pg। देखिएगा कि वो कनेक्ट होती है, यस देखिए नीचे आ गई, ठीक है। बस 3x 4x आप चाहें और इसको यहाँ पर प्रेस एक्स 2x और 4x है, ठीक है। इनको अगर आप सेव करते हैं 1 2 3 4x, इसको चेंज करते हैं तो वो आपके पास तरह कुछ फॉर्मेट में नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसको अब आप इसका आसान तरीन हल है कि अगर आप इसको नेविगेट बारी बारी करना चाह रहे हैं एक ही रो में, तो इसके लिए जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप नजर आए 1 2 3 4, तो ये प्री लगाने से कर एक साइड पर आ गई है। ये बेसिक इस्तेमाल है इमेज सोर्स का। अगर आप इसके साथ यूज करते हैं आल्ट माई बुक 001 कोड की है, तो अगर आप माई आल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आल्ट के इस्तेमाल से आप चेक कर सकते हैं, आल्ट सॉरी यहाँ आल्ट का मुझे लिखना है ALT, तो आप देखें ये इसके ऊपर आ रहा है माई बुक 001। सिमिलरली आप आल्ट के इस्तेमाल से बता दें कि पेज किस से रिलेट है। अगर आप चाहते हैं कि पेज को क्लिक करें और वो सेकंड पेज पर चला जाए या कहीं और खुले, तो आप नेम की जगह आप फर्ज करें, यहाँ पे मैंने इमेज को सेव कर दिया, तो देखें अब इस में आपका वो जो था सेकंड पेज पर जाने का प्रोग्राम, वो आप क्लिक करें इमेज को तो चाह सकेंगे, यानी इमेज को लिंक बना दिया जाता है इसमें। अब देखें वो इमेज को मैंने लिंक बना दी और वो खोल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ तरीकों से इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मजीद एट्रीब्यूट में है कि हाइट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हाइट मैं दे देता हूँ 100 और विड्थ दे देता हूँ, इधर मैं विड्थ आप दे दें, क्योंकि वो हाइट ज़्यादा है यहाँ और विड्थ कम है, तो मैं इतनी यूज़ कर रहा हूँ विड्थ। देखें क्या इफेक्ट होता है, हम देखें